डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि बॉल मिल क्या होती है। ठीक है, बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका काम क्या है, ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो मैंने देखा, वो देखा कि जो है साइज रिडक्शन के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो वो हैमर मिल। ठीक है, तो हैमर मिल का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था, वर्किंग पढ़ लिया था और उसके पूरे डायग्राम के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया था। अब जो दूसरी आप में है साइज रिडक्शन के लिए, जो आप ऑपरेटस यूज़ कर रहे हो, मशीन यूज़ कर रहे हो, वो होती है बाल मिल। ठीक है, तो बाल मिल के बारे में देख लेते हैं कि बाल मिल कैसे वर्क करती है, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, ठीक है, किस किन चीज़ों से मिल के बनी होती है, ये सारा कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मतलब ये किसकी बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर फिक्स्ड ऑन द मेटेलिक फ्रेम। इट कंटेन्स हैवी वॉल्स अबाउट 2 to 5 cm इन डायामीटर। समटाइम्स सिलेंडर्स आर लाइंड विथ रबर। द सिलेंडर्स रिवॉल्व्स लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है। जो आपका बॉल मिल है वो कंसिस्ट करता है क्या, हालो टाइप का सिलेंडर जो कि फिक्स्ड होता है किससे, एक मेटालिक फ्रेम से। इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जो कि फिक्स होता है एक मेटालिक फ्रेम से, और जो इसके अंदर हैवी बॉल्स पड़ी होती हैं, बॉल्स मिल्स में बॉल्स होती हैं, साइज रिडक्शन का वर्क करती हैं वो। तो जो वो बॉल्स होती हैं मेटालिक बॉल्स, वो कितने कितने सेंटीमीटर की होती हैं, तो वो 2 से 5 सेंटीमीटर डायामीटर जो है की होती हैं। ठीक है, जो सिलेंडर होता है वो लाइंड होता है किसके साथ, एक रबड़ के साथ। ठीक है, द सिलेंडर रिवॉल्व्स, रिवॉल्व मीन्स होता है घूमना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये घूमता है, ये जब घूमता है बॉल्स ऊपर से नीचे गिरती हैं, तो जो आप ड्रग पार्टिकल्स डालते हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से साइज कम होता है, रिडक्ट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्किंग क्या होती है। तो वर्किंग इसकी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इसका फिगर है, ठीक है, वो पहले देख लेते हैं फिर वर्किंग। ठीक है, ये आपका पूरा फिगर बना हुआ है, सेम टू सेम आप ऐसे बना लेंगे, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने मेंशन नहीं की है, ये सारी चीज़ें मेंशन की है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, जब वर्क इसका पता चल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द ड्रग इज अ प्लेस इन टू द सिलेंडर एंड लिड इन क्लोज। ठीक है, तो जो ड्रग है आपका वो प्लेस करेंगे कहाँ पे, सिलेंडर के अंदर, और उसको क्लोज कर देंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, द सिलेंडर रोटेट्स लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, आपका जो सिलेंडर होगा उसको रोटेट करवाएंगे एक सामान्य अवस्था में। ठीक है, फिर क्या होगा, द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइज रिडक्शन। जो कि स्पीड होती है रोटेशन की, यानी कि घूमने की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसके लिए, एक साइज को रिडक्ट करने के लिए, साइज रिडक्शन के लिए। इसमें जो बॉल मिल है, बॉल मिल में जो है आपका जो साइज रिडक्शन आपका होता है उसके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर ज़्यादा हाई स्पीड हुई या लो स्पीड हुई तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, साइज रिडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब फिगर देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं 3 बॉल्स बना के दिखा दूंगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस फिगर की। ये जो फिगर है ये काहे का बन, ये किस चीज़ का है, ये आपका है बॉल मिल का। ठीक है, आपके फिगर जो है वो बॉल मिल का है। तो जो ये आप देख रहे हैं ये एक बेस होता हैवी बेस होता है जिसके ऊपर ये पूरी मशीन जो है आपकी टिकी हुई होती है। ठीक है, ये आपका हैवी बेस होता है जो कि एक मेटल का बना होता है, किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये क्या है, ये मेटेलिक फ्रेम है। ठीक है, कि मेटल का फ्रेम बना होता है दोनों साइड में होता है सपोर्ट के लिए। ठीक है, और इसी से क्या है, जो आपका ये सिलेंडर लगा हुआ है ये इसी से अटैच है, इसी में आपका मशीन वगैरह लगी होती है। ठीक है, ये पूरा सिलेंडर आपका इसी जो है मेटेलिक फ्रेम से क्या है, अटैच है।
इस फ्रेम के अंदर आपकी मेटेलिक बॉल्स होती हैं, ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही है ये मेटेलिक बॉल्स हैं, जिनका आपको मैंने डायामीटर बताया 2 to 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये ऊपर जो है इनलेट हो गया, ये इनलेट का मतलब यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट का साइज रिडक्शन करना होता है वो आप इसमें एंटर करते हैं, देन इसको रोटेट करवाते हैं और साइज को रिडक्ट करते हैं। ये आपका स्टील बॉल्स हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपकी मेटेलिक फ्रेम्स हो गई, ये आपका बेस हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, ये जो बॉल्स हैं ये बॉल्स इस सिलेंडर में ऑलरेडी फिल्ड होती हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई भी चीज़, ठीक है, जब भी आपको कोई भी चीज़ करनी होगी, जैसे कि किसी भी पार्टिकल साइज का साइज रिडक्शन करना होगा, तो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जब भी किसी पार्टिकल का साइज रिडक्शन करना होगा तो जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल को यहाँ से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद जो आप पार्टिकल्स ड्रग पार्टिकल्स हैं वो यहाँ यहाँ आपके पूरे भर में हो जाएंगे। इस सिलेंडर के अंदर आप इसको इंसर्ट कर देंगे, कहाँ से, इनलेट के माध्यम से, ठीक है। जब इसके अंदर आप ड्रग पार्टिकल डाल देंगे, फिर ये जो इनलेट है इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, जब इसको रोटेट कराएंगे, क्योंकि ये रोटेट कैसे करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक। जब ये रोटेट करेगा तो बॉल्स क्या होंगी, बॉल्स कुछ दूर तक घूमेंगी, उसके बाद एक टाइम पे आके एकदम से नीचे गिरेंगी, 90 डिग्री पे पहुंचेंगी या 60 डिग्री पे पहुंचेंगी, तो एकदम से नीचे गिरेंगी। तो जो आपका ड्रग पार्टिकल्स नीचे है या किसी जो आपकी बॉल्स के बीच में है, तो जब बॉल्स बॉल्स आपस में टकराएंगी तो जो बीच में आपका प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उस पर फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन होगा और उसका साइज कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो है चलता रहेगा चलता रहेगा, और आपका जो है प्रोडक्ट का साइज कम होता रहेगा, इसी को बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है। ये सिलेंडर में आप कोई भी जिस आपको कंपाउंड का, जिस भी ड्रग का, जिस भी पार्टिकल का आपको साइज रिडक्शन करना है वो यहाँ से इंटर करके इसके अंदर फिल कर देंगे, उसके बाद इस मशीन को ऑन कर देंगे। जब ये रोटेट करेगी तो बालों के बीच में जो भी आपका पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स पड़ेगा वो टूटेगा, ठीक है, और फाइनली आपको एकदम फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उसको क्या कर लेंगे, इनलेट के ही मदद से आप इसको खोल के जो है आप जो प्रोडक्ट आपका रिडक्ट हुआ है साइज उसको आप कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो रोटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इम्पॉर्टेंट होता है जो स्पीड होती है एक साइज रिडक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की जो स्पीड होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, साइज रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। ये दो बॉल्स हो गई और ये मैंने तीसरी बॉल्स बना दी, ठीक है। एक बार जब इसको आप बहुत स्लो रोटेट करेंगे तो बॉल्स क्या होंगी, बहुत स्लोली स्लोली रोटेट होंगी, ठीक है, स्लोली रोटेट होंगी, ठीक है। तो ये जब स्लोली रोटेट होंगी तो इस पर कोई भी पार्टिकल जो इसके बीच में आएगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा। ये वेरी लो कंडीशन में है, अगर आपकी स्पीड बहुत लो है तो उस केस में आपका साइज रिडक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर इन केस आपकी रोटेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई का मतलब अगर आप बहुत तेज स्पीड से चलाएंगे तो जो ये आपकी मेटालिक बॉल्स हैं वो इस सिलेंडर के चारों ओर, इस सिलेंडर के चारों ओर घूमेंगी और जो आपका प्रोडक्ट है वो बीच में रहेगा, इस केस में भी आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा। वेरी हाई अगर स्पीड रखेंगे तो उस केस में भी आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे केस में क्या आता है, जब आप एवरेज स्पीड रखेंगे, एवरेज स्पीड का मतलब ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, उसके मीडियम स्पीड में जब आप रखेंगे तो आपका साइज रिडक्शन जो होगा वो बहुत अच्छी तरह से होगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर मीडियम स्पीड में रखेंगे रोटेशन की स्पीड तो क्या होगा, आपका साइज रिडक्शन बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि बॉल्स जो आपकी ये हैं ये रोटेट करेंगी, रोटेट करते करते यहां तक पहुंचेंगी। यहां तक पहुंचने के बाद ये क्या होंगी, एकदम से नीचे की ओर फिर गिरेंगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, दबाव आएगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका साइज जो है पार्टिकल का वो रिडक्ट होगा। तो आपको पता चल गया कि जो बॉल मिल होती है वो ऐसा दिखता है और इसके अंदर एक सिलेंडर लगा होता है जिसके अंदर मेटेलिक बॉल्स पड़ी होती हैं और आपको जिस भी पार्टिकल का साइज रिडक्शन करना होता है वो यहाँ से इनलेट से आप इसमें इंटर करेंगे और इसको रोटेट करवाएंगे। लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा स्पीड हुई तो उस केस में आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा। इन केस अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हुई उस केस में भी आपका साइज रिडक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको जो बॉल मिल के रोटेशन की स्पीड है वो एवरेज यानी कि मीडियम रखनी होगी, तब जाके आपके साइज का रिडक्शन अच्छी तरह से होगा जो भी आपका लार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया कि बॉल मिल क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन मैंने एक एक करके बता दिया, वर्किंग कैसे होगी उसके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो भी मैंने बता दिया, फिगर आपको मैंने पूरा बता दिया और वेरी लो स्पीड में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वेरी हाई स्पीड में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और एवरेज स्पीड में क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके नोट्स मैं आपको लिखा दूंगा, अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई।